Hey friends, welcome back to my channel. So आज ना मैं आप लोगों को कोरोना वायरस की अपडेट्स देने वाली हूँ और एक और बात है कि जो मेरी बहन है सोबिया वो आई हुई है साउल, तो वो अभी ना वायरस का टेस्ट करवाएगी, तो वो कैसे होता है टेस्ट और आजकल साउल में क्या हालात है उस चीज़ों की मैं आपको अपडेट्स दूंगी. और आज मैंने मोबाइल से वीडियो कर रही हूँ, सो स्टे ट्यून विद मी. तो अभी ना सोबिया है, ये मेरी बहन, और ना अभी ये जा रही है टेस्ट करने, और फिलहाल तो हम ऐसे साथ हैं, बाद में हम दूर रहूँगी क्योंकि ये वायरस जब टेस्ट करवा के आएगी तो हम आपको दिखाएंगे कि मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. यार मुझे तो अभी बहुत डर लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अंदर पता नहीं क्या करेंगे, तो मैं अभी प्रिकॉशन करके जा रही हूँ, गिल्ला चुल्ला पहन के. तो आई होप ग्लव्स दिखाओ, ग्लव्स तो अभी सुबह ग्लव्स वगैरह पहन के आइए, और हम ना सैनिटाइजर और अल्कोहल जो है हाथ साफ करने का सब कुछ लेके आए. ये पॉकेट वॉकेट सारे भरे हुए हैं सामानों से, और सोबी आके देखो क्या करती है, टेस्ट के बाद क्या होता है ये सब कुछ बताऊंगी, तो मेरे साथ रहिएगा. और फिलहाल साउल में ऐसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ लोग सब चल रहे हैं लेकिन मास्क वास्क पहन के, इसको आके फेंक देंगे. मेरे पास एक और चीज भी है, रुको किधर गया लग रही है ना धूम की हीरो चले अभी हम ना इधर जाते हैं, ये है यहाँ का टेंट, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ जब सोबिया अंदर चली जाएगी, लेट्स गो. तो ये है नॉर्मल जो हेल्थ सेंटर होता है वो, और उस हेल्थ सेंटर के बाहर ऐसे टेंट्स लगाए हुए हैं टेंट्स, और यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया इधर, मैंने वन देखा था, वन, ये वन लिखा हुआ है और टू थ्री फोर, तो ऐसे जिस हिसाब से जिसको बुखार या सिम्टम्स है ऐसे से चेक करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने देते, बाहर से ही चेक करते हैं. लेकिन सोबिया का काम यहाँ पर नहीं हो पाया क्योंकि वो उसकी फ्लाइट है, तो क्योंकि सोबिया को अभी कोई सिम्टम्स नहीं है तो इसलिए हमें ना कहीं और जगह पे जाना पड़ेगा, तो हम ना कोरिया हॉस्पिटल जो है बड़ी हॉस्पिटल उधर जा रहे हैं, और इसने बोला वहाँ पे भी बाहर ऐसे ही टेंट्स होंगे, तो अभी बस हम वहाँ जा रहे हैं चेकअप करवाने. और अभी बहुत डेंजरस है इस टाइम ना ऐसे घूमना भी ना ऐसी जगहों के आसपास, लेकिन हम लोग अपने आप को पूरा साफ कर लेंगे स्प्रे करके, सो डोंट वरी गाइस. चले अभी चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल. गाइस आपको पता है कि यहाँ पे कोरिया में मास्क ऐसे ही नहीं देते, रूल्स है, यहाँ पे एलियन कार्ड लेके जाना पड़ता है, और स्पेशली ना आपके पास इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस. तो मैं कितने हफ्तों से ट्राई कर रही थी, मुझे मास्क मिल ही नहीं रहा, और आज ये देखे क्या है मुझे यकीन नहीं आ रहा आज मुझे मास्क मिला है, क्योंकि मेरी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मुझे मिलता ही नहीं. वैसे मास्क तो 1500 का है, $1.5 का, लेकिन एक्सपेंसिव दिया है इस एलियन कार्ड पे, $3.5 का दिया है एक मास्क, लेकिन जितना भी महंगा देते मैं आज को ले लेती, मुझे जितना भी एक्सपेंसिव देती, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ, मतलब मुझे ये मास्क मिला है, N95 मास्क है, कोरिया में इसको कहते हैं KF94, तो आई एम सो हैप्पी कि आजकल मैं इसकी बहुत ही ज़रूरत है, मतलब आजकल ये नहीं है तो मतलब हम कैसे इधर सेफ रहेंगे ना. तो जो अभी जिस कंट्री में नहीं आया अभी भी वायरस, वो लोग भी मास्क लेके ज़रूर रख दें, नहीं तो आप लोग पछताएंगे बहुत, मैं कह रही हूँ. तो अभी हम लोग ट्रेन में हैं और यहाँ पे भी सब लोग मास्क पहन के बैठे हुए और ये है हैंड सैनिटाइजर, और उसके अलावा इसके अंदर है अल्कोहल इस साफ करने के लिए. सो हमारे पास सब कुछ है हाथों में. तो ये टेस्ट हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये ट्रैवल करेगी अभी, और अभी रिसेंटली न्यू रूल आया है थाई एयरलाइन और किसी भी एयरलाइन का, शायद सारी एयरलाइंस का होगा कि ना हर किसी को
कोरोना वायरस का जो सर्टिफिकेट है, टेस्ट सर्टिफिकेट, वो चाहिए होगा हर एयरलाइन को। और जब अगर ये किसी भी कंट्री जाती है जाने तो वहाँ से पहले भी और वहाँ पे आने के लिए भी, हाँ, तो हर जगह पे दिखाना पड़ेगा। कोरिया से निकलने के टाइम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिर किसी कंट्री जाएगी ट्रांसफर में उधर दिखाना पड़ेगा। और उसकी प्राइस भी बताओ कितनी है, प्राइस अभी कितनी है अभी जाके देखते हैं। एग्जैक्टली पता चला है कि $100 $100 तक है। सो लेट्स सी एंड लेट्स हैव एक्सपीरियंस विद अस। ये है हॉस्पिटल जहाँ पे हम अभी आ रहे हैं, खोरियो थेक्यो प्योंगोन। यहाँ पे कहीं बाहर हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे चेकअप करवाते हैं। तो सर्टिफिकेट के बारे में क्या बता रही थी कि जो सर्टिफिकेट है वो 48 आवर्स पहले, 2 दिन पहले का होना चाहिए, नया, और वो सर्टिफिकेट $100 का होगा अराउंड, पता नहीं वो हम अभी जाएंगे तो प्राइस देखते हैं, लेकिन 2 दिन पहले का होना चाहिए सर्टिफिकेट, पुराना नहीं चलेगा। तो अभी हम हॉस्पिटल में आए और ये जगह बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि जो पेशेंट होगा, आदिया को भी डेंजर में डाल रही हूँ, मैं भी सोबिया की वजह से आई हूँ हॉस्पिटल, नहीं तो नॉर्मली नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके चेकअप के लिए आए हैं हम लोग। वैसे चलो अंदर चलते हैं, बाद में बात करते हैं। इंग्लिश फॉर्म है यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में है और उस साइड सारे कोरियन में। तो ये मैंने भी लिखा है क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर इंटर होने के टाइम चेक करना पड़ता है ना। बुखार चेक हुआ हमारा, अभी बाकी प्रोसेस होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ऐसे ही इंटर नहीं हो सकते। थाई एयरलाइन फॉर कोविड-19 टेस्ट हाँ कुछ खाओ नहीं छागी नारा खाको खर को आयो फिर सो छिंगमियन सो भी आयो हाँ नहीं वेयर देखो हॉस्पिटल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इधर कहीं ना उसका चेकअप करेंगे, यहीं पे ही उसका चेकअप करेंगे इस एरिया के अंदर। तो तुम्हें अंदर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, इधर को हॉस्पिटल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इधर कहीं ना उसका चेकअप करेंगे यहीं पे ही। तो उसने अभी बोला है कि ना 1:30 तक यहाँ वेट करो, अभी यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है और यहाँ ये डोर है ना इसके अंदर जाना है 1:30 को, और उसके बाद क्या होगा कि ना तुम्हें कोरियन नहीं आती ना तो मैं तुम्हारे साथ कहीं रास्ते में अंदर कुछ स्टेप्स हैं 1, 2, 3 जो हमने लास्ट टाइम देखा था ना दूसरी जगह, ऐसे स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज चेकिंग होगी इसकी। और अगर उनको इंग्लिश आती है तो मैं बाहर रुकूंगी, अगर इंग्लिश नहीं आती तो शायद अंदर जाऊँ और परमिशन लूँगी अंदर जाके फिर से अगर वो अलो करें। और उसके अलावा बाकी है ना बोला अंदर हॉस्पिटल में नहीं जा सकते क्योंकि रिस्की है, तो आप लोग यहाँ से ही बाहर चले जाएँ घर। और फिर ना कल सुबह की हमने फ्लाइट चेंज की है क्योंकि ये रिजल्ट कल आएगी, आज नहीं मिलेगी। तो जो भी मतलब आज अगर चेकअप करवाएंगे तो रिजल्ट 1 दिन के बाद मिलेगी। हाँ तो बोल रही है अगर तुम लोगों को मैसेज में चाहिए चीज़, ये चीज़ रिजल्ट या फिर पेपर चाहिए, लेकिन हमें पेपर इंपॉर्टेंट है ना, इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में पेपर में, तो इसलिए ना फिर कल इधर आना है इस हॉस्पिटल में पीछे पिक करने। तो सुभाने पानी दींदा से वठण रिसीव करण खुद ही आई है ना, बस आज सिर्फ चेकअप होगा इसका, मैं अंदर नहीं जाऊंगी नहीं तो मैं फंसूंगी ना। ठीक है, और बाकी उसने सब कुछ कोरियन में बात की तो इसलिए ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसने रिकॉर्ड की ना, इससे मैं क्लिप लूंगी मेरी। अच्छा तो अभी ना हम लोग बस इधर वेट कर रहे हैं ऐसे बैठे और इसके अंदर जाएंगे 1:30 को, अभी लंच टाइम है तो चले अभी क्या करें, वेट करते हैं यहाँ से थोड़ा बाहर चलते हैं। हमने खाना भी नहीं खाया क्योंकि हम ना बाहर नहीं खाते और आजकल बाहर खाना भी मतलब अच्छा नहीं है ना, रिस्की है,
हर जगह हर कोई मास्क पहन के चलता है, लेकिन खाने के टाइम हर कोई मास्क उतार के खाता है, तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है। ऐसे ही तो वायरस फैलता है ना। खाना कैसे खाएंगे? नहीं यार, इस टाइम पे फिर अपने अपने लंच बॉक्स लेके आए या फिर घर पे खाएं, कुछ तो मतलब करना चाहिए। बाहर रिस्की मुझे है, ट्रैवलिंग करनी आजकल, बाहर ही खाना था। तो शोभिया पता नहीं कैसे करेगी बहुत टाइम से, लेकिन शोभिया भी अगर बाहर आउट करके घर लेकर आती। हाँ ये अच्छा है, अगर बाहर से ना पार्सल करके घर लेके आओ तो खाओ, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं है बाहर बैठ के खाना है ना। एक प्रोसेस देख, हाँ ये भी डेंजर है, कोई आएगा ही नहीं आपके क्योंकि साथ, मैं इसके साथ आई हूँ, फिर इसका चेकअप होगा अंदर, और फिर इसको पता नहीं क्या क्या अंदर से लगे ना लगे कुछ नहीं पता, तो इसलिए ना फिर इसका तो सफाया कर देंगे हम, इसको वॉशिंग मशीन में डाल देंगे। यहाँ पे कुछ होना चाहिए था ना, एक रूम होना चाहिए था अंदर, जाए पूरा सैनिटाइज, शायद कुछ करें अंदर, हमें पता नहीं है ना, अंदर शायद कुछ करते होंगे सेटिंग कोरिया में, हो सकता है, वरना फिर बाहर जो भी निकलते होंगे टेस्ट के बाद फैल जाता। हाँ, और कोरिया में ना बहुत ही मतलब केयर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हैं सब कुछ, तो शायद कुछ अंदर होगा तैयारी व्यारी करके। और हम ना कोई मेकअप वेकअप लगा के नहीं है आज, क्योंकि मास्क में कुछ दिखता नहीं है, तो हम ऐसे ही उठ के आ गए, इतना अच्छा लग रहा है, नींद से उठ के आ जाए ना। नहीं पता है क्या फायदा ये है कि ना मास्क में ना हो ना लिपस्टिक वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी फिर ऐसा होता है कि मास्क में ना पूरा मेकअप लग जाता है ना, मेकअप करके मास्क पहनते हैं सारा मास्क में, मेरा तो लगा हुआ है, अभी निकाल के दिखा भी नहीं सकती, अंदर मेकअप लगा हुआ है। और ये है वो टेंट, यहाँ पे चेकअप होता है, और ये है मेन डोर जहाँ से हमें अंदर मतलब नहीं जा सकते, तो इसलिए हम इस साइड पे वेट कर रहे हैं। सोफिया उतर लिखल चाहे बुध कोरोना वायरस जो टेस्ट है ना, कोरोना वायरस खोमसा शी हेंग शी खोमसा छोन अयाहू फ्योफोन इबजांगी फुरखम हमनिदा फुरखा हमनिदा, मतलब हॉस्पिटल जे अंदर ही बाहर नथी वनी सगी, जदे ते टेस्ट कराना ही है इन एरिया में, जदे टेस्ट कराना ही है। का गए ज़ूम कितना है, तो जदे मतलब हॉस्पिटल जे अंदर और बाहर जाना अलो ही नहीं है पता है, इसलिए हमें बोला इधर बैठ जाओ, और हम इधर से टेस्ट करा के उस साइड से निकल जाएंगे, उस साइड से बाहर अंदर नहीं जा सकते हॉस्पिटल में, सिर्फ बाथरूम जा सकते हैं लिखा हुआ है, ओनली बाथरूम। हाँ क्योंकि अगर सोचो ना इस एरिया से अगर हमें कुछ वायरस जर्म्स लगे या जो भी, तो फिर हम तो हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, फिर उधर लेके जाएंगे ना, तो इसलिए ना अभी कोई अलो नहीं है हॉस्पिटल के अंदर और बाहर जाना, तो हम इधर ही बैठेंगे, वायरस चेक करा के घर जाएंगे, नहाएंगे, कपड़े भी धोएंगे सब कुछ। इस वीडियो का टाइटल होगा आई कम्प्रोमाइज माई लाइफ फॉर माई सिस्टर और आई पुट माई लाइफ इन डेंजर, मैं इसकी वजह से आई हूँ, लेकिन क्या करें यार, ये भी आया है कि हमारा दोस्त आया है, आपको आया है, लेकिन ना इससे बाद में दोस्ती करते हैं, पहले सोफिया के काम नहीं करते आजकल, किसी से दोस्ती नहीं करेंगे। सोफिया इज रेडी टू गो इनसाइड, यार हमें तो डरा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पहन के जा रहे हैं। अभी इधर से कुछ लोग गुजरे थे, बहुत बड़े बड़े चश्मा ग्लासेस वगैरह पहन के, सो सोफिया अभी डर रही है, लेकिन यू कैन डू इट। यहाँ के लोगों को लगता है कि हम लोगों को वायरस है, हम फॉरेनर्स हैं ना, और हमें लगता है कि इन लोगों को वायरस है, क्योंकि कोरियंस हैं, यार क्या जमाना आ गया है, मतलब हम सब एक दूसरे से डरते हैं। पहले सिर्फ थोड़ी देर पहले मैं और सोफिया थे, अभी देखें वो हैं, और फिर ना इधर दो तीन लोग आए हैं, तो अभी ना बस थोड़ी देर में अंदर जाएंगे, 1:30 को टाइम लिखा हुआ है उधर, 1:30। अंदर है ना ये जा रहे हैं, देखे तैयार होके जा रहे हैं पूरा, मतलब सबसे पहले सोफे की बारी होगी, अभी ना ये एक और है जा रही है अंदर फुल पैकिंग। यार वैसे स्ट्रेस हो नहीं हो, लेकिन ये जो तैयारी व्यारी करके आ रहे हैं ना, इनको देखकर और भी स्ट्रेस आ रहा है, सोफे अभी टेंशन कर रही है, क्योंकि ये लोग ऐसे पैक होके आए ना पूरा, इसने भी चश्मा और मुझे तो है कुछ नहीं, और डर लग रहा है उससे कि कुछ है नहीं, लेकिन लगभग न जाए, लेकिन हम कोशिश करके फर्स्ट में जाए ना, तो फिर क्लीन होगा। सोफिया अभी अंदर गई है, सोफिया का अभी बुखार चेक कर रहे हैं, बुखार उखार चेक कर रहे हैं, फिर आपको अपडेट देंगे।
10 मिनट्स हो गए हैं और अभी तक सोबिया नहीं आई, वेटिंग फॉर हर। सोबिया से पूछे क्या हुआ, सोबिया अभी बताओ अंदर क्या हुआ। मैं आपको एक एक प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले मैं अंदर गई, मुझसे आईडी कार्ड लिया, कोरियन आईडी कार्ड जो होता है एलियन कार्ड, और फिर मेरा नाम वगैरह लिखा, फिर फोन नंबर और एड्रेस लिया मुझसे, और उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था। और सेकेंड स्टेप मुझे एक रूम में लेकर गए, वहाँ से मुझे क्वेश्चन पूछे कि आपने ना आउट ऑफ कंट्री विद इन मंथ ट्रेवल किया है, नहीं किया, और आप कोरिया में कब से हो, और आपको कोई फीवर तो नहीं है, कफ तो नहीं है, फ्लू तो नहीं है, और आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। तो ये सारे डिफरेंट क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में पूछे थे इन सब ने, और फिर मैंने आंसर किए। और मुझे पूछा कि क्या रीज़न है आपको, क्यों टेस्ट करवाना है। मैंने कहा कि मुझे ट्रैवलिंग करना है बैक टू पाकिस्तान, और थाई एयरलाइन इंटरनेशनल एयरलाइन की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और फिर मुझे बोला कि ना इट कॉस्ट यू बहुत सारे पैसे। मैंने कहा पता नहीं कितने पैसे लगे, कितने कॉस्ट करेगा, क्योंकि हमने सुना था $100 है, क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ तो वो मुझे कॉस्ट करेंगे $200। अच्छा, जस्ट फॉरेनर हो इसलिए? हाँ, क्यों $200? फिर मुझसे पूछा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मैंने कहा हाँ है इंश्योरेंस। फिर मेरी प्राइस कर दी $200 से $100 कर दी, 50% ऑफ सिर्फ के हेल्थ इंश्योरेंस से, हेल्थ इंश्योरेंस से। और जो कोरियन से पैसे लेते हैं वो $100 पे लेकर गए, वो इससे भी बाहर जगह एक और भी वहाँ पड़ता है, एक छोटा केबिन बना होता है, वहाँ पे एक लड़की थी, जो लड़की आपने देखी ना पूरा व्हाइट पहन के गई है, हाँ। तो वो लड़की थी, और उसने वो दो टेस्ट लेगी, एक टेस्ट था मुझे बोला कि दर्द होगा, वो नाक में वो एक थी ये बर्ड था, पर वो बर्ड ना बहुत ही पतला सा था, और वो उसको ना अंदर घुसा दी गई यहाँ तक घुसाया, थोड़ा ना फील ऐसे होगा कि थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, पिन की तरह फील होता है, चुभता है थोड़ा सा, चुभता है, मतलब इतना दर्द में नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा फील होता है। और फिर मुझे बोला कि ना दूसरा, और फिर उसको ना एक बॉटल दी सैंपल की, फिर वो जो बर्ड था ना उसके अंदर डाल दिया, और तो बाद में वो सैंपल चेक करेंगे, इसलिए एयर टाइट क्लीन कर दिया बॉटल को मेरे नाम से। और उसके बाद दूसरा जो था वो एक बहुत बड़ा वो था एयरबर्ड, और फिर वो सैंपल लिया मेरे थ्रोट से, जो टॉन्सिल्स नहीं होते हमारे अंदर, मतलब वॉमिटिंग आ रही है। अच्छा, बहुत अंदर तक डाला? हाँ, मैंने टॉन्सिल्स तक बोला, मुंह खोलो बहुत अच्छा नीचे करो, फिर अंदर टॉन्सिल्स तक डाला उसको, और फिर वो निकाला, वो भी सैंपल रखा। फिर मैंने पूछा कि ना इतना एक्सपेंसिव क्यों है ये टेस्ट, फिर उसने बोला कि इसलिए, क्योंकि पहले बोला कि पता नहीं, फिर बोला इसलिए क्योंकि ये जो प्रोसेस पूरा होता है और हम सब अपनी लाइफ डेंजर में डाल के फिर आपका टेस्ट करते हैं, तो इसलिए ना मतलब इनको फीस भी शायद ज़्यादा मिलती होगी, शायद ये लोग चेक वेक करते हैं तो फीस ज़्यादा मिलती होगी, लाइफ अपनी डेंजर में डाले तो उनको ज़्यादा मतलब करना। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पे ना एक दिन में कितने लोग आते हैं, मुँह में हाथ मत लगा। मैंने बोला कुछ हुआ खैर वरी भी, मैंने बोला कि एक दिन में कितने आप लोग आते हैं, तो उन्होंने बोला कि ना 60 लोग आते हैं टेस्ट कराने। फिर मैंने कहा किसी को वायरस हुआ है, उसने कहा आज तक एक भी मतलब पॉजिटिव, असल में फिलहाल साउल में फिलहाल थोड़ा सेफ है। हाँ, तो मतलब पूरा ना नेगेटिव आया है, और आई होप मेरा भी नेगेटिव, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारा नेगेटिव ही होगा, सिम्टम्स है तो नहीं, और बस ये सिर्फ ट्रेवल की वजह से सोबिया ने करवाया है। ये बोला कि ना कल हम आपको मैसेज करेंगे, और मुझे ये बोला कि आप आज पूरा दिन घर में स्टे करना, कहीं बाहर नहीं जाना, और दूसरा ये बोला कि आप ना कल यहाँ पे आना, अपना ना टेस्ट रिजल्ट जो होगा ना डॉक्यूमेंट ट्रैवलिंग के लिए चाहिए इंग्लिश में, वो हम आपको ना प्रोवाइड करेंगे, और कोरियन में मुझसे इन लोगों ने चार्ज किए, मैं आपको ना पैसे दिखा दूँ कितने चार्ज किए। हाँ, 1,17,880। हाँ, और ये मेरा ना आईडी कार्ड इन लोगों ने दिया है, तो ये चेकअप उसके साथ हुए हैं अभी ना, लेकर आना पड़ेगा, और फिर वो चले ठीक है, और चलो हो गया मेरा टेस्ट, इतना डर रही थी पर फिर पर अच्छा है, मतलब इन्फॉर्मेशन मिली, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मैं सबसे पहले गई ना हाँ, क्योंकि सोबिया उसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला थी, तो इसलिए ना बस सेफ्टी का ज्यादा है, और अभी देखें हम इसको कैसे सैनिटाइज करते हैं। वेट, ये अल्कोहल है जो कि इन्फेक्शन वगैरह के लिए होते हैं, और आजकल यूज होता है कोरिया में हर जगह, इससे मैं सोबिया को साफ करूंगी, थोड़ा उस साइड जाओ।
तो ठीक है, क्योंकि घर जाके कपड़े वैसे ही धोने हैं, लेकिन फिर भी हाथ से। हाँ फिर भी ना उल्टा हो यार, सेफ्टी करने करना पड़ता है। मैं भी करूँगी क्योंकि मैं इस एरिया में हूँ। ओके तो अभी सुबह अपने ये ग्लव्स उतार दो, और ग्लव्स ग्लव्स के अंदर डाल दो हाँ ऐसे, ताकि फेंक देंगे। और ये है हैंड सैनिटाइजर, और भी दूंगा नहीं, तुम्हारे हाथ वैसे साफ ही थे, लेकिन चलो कर दो साफ, अच्छे से साफ करो, ये पूरे हाथ ऐसे साफ करने पड़ते हैं अगर हैंड से। थम्स को भी, क्योंकि नेल्स होते हैं ना हमारे, इसके अंदर भी जा सकता है और थोड़ा रिस्क भी। हाँ और अभी वेट वेट, मास्क अभी मत उतारो, अभी हम सोबिया को ना एक नया ब्रांड न्यू मास्क, ये तो अभी ये मैं सोबिया को खोल के देती हूँ वेट उसके। और ये सोबिया ने अभी भी हाथ साफ किया है, इसलिए सोबिया ही मास्क को पकड़ेगी, मैं नहीं पकड़ रही। पहले आप मास्क निकालो, तो किसी और जगह टच नहीं करो, यहाँ कहीं पे भी टच नहीं करने का, एंगल को टच करो। हाँ और मैं अभी इसको मैं यहाँ ही रखती हूँ। ये नया मास्क आप कैसे पहनोगे? ये N95 मास्क है जो कोरिया में KF94 है। यहाँ से ओपन करो, ऐसे लगाओ। ये चश्मो भी लाए थे ना? चश्मो लायू था अभी, लाए छत वाला चश्मे को भी मुझे स्प्रे करना है। चलो फिर करके थोड़ा टाइट कर दो, थोड़ा अब प्रेस करो कि ये पूरा ना बंद हो जाएगा यहाँ से। हाँ ये पूरा हो गया मास्क, ठीक है गुड। अभी बाकी सामान इसमें डाल दो जो फेंकना है। तो ये खराब वाले सामान इधर फेंक रहे हैं, ताकि मैं हम फेंक देंगे बाहर डस्टबिन में। और फिर से हैंड सैनिटाइजर यूज करो। अभी ना फिलहाल चश्मा दो, अपना चश्मा दो इधर इधर, इसको बिना स्प्रे कर दूँ ना। मास्क में हाथ लगाया तो इसलिए लास्ट में फिर से हाथ साफ कर देने। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपको ना मतलब सोप वगैरह मिलता है ना, वो ज़्यादा उससे ज़्यादा साफ होता है, 20 times करो ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके 10 times, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सैनिटाइजर जस्ट इमरजेंसी के लिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उससे सारे वायरस खत्म होते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की चीज़ जो आपने देखी कि सोबिया का कैसे चेकअप हुआ है, और रिजल्ट हमारी कल आएगी। तो इसलिए सोबिया 1 meter डिस्टेंस नहीं, बस कोई बात नहीं, डिस्टेंस मैंने इसको पूरा साफ सुथरा कर दिया घर में, आपको पता है मैं इसको वॉशिंग मशीन में डालने वाली हूँ और इसलिए ना फिलहाल हमने मास्क वास्क सब कुछ चेंज कर दिया है इस साइड से, तो इसलिए ना अभी सब कुछ इंशाल्लाह ठीक होगा। रिजल्ट भी हम आपसे शेयर करेंगे ज़रूर जल्दी इसी वीडियो में ही, और कल रिजल्ट आएगी तो कल बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, और वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी। जो जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो मास्क करें ट्रैवलिंग करने से पहले कि आपको ये रिक्वायर्ड है, सो डू दिस प्रोसेस। हाँ हमेशा ट्रैवल से पहले या तो अपनी एयरलाइन पे कॉल करके पूछें कि अगर ये सर्टिफिकेट। प्राइस हर टेस्ट की एक्सपेंसिव ही होगी, सो एक्सपेंसिव है लेकिन करवाना तो है ही। बाय बाय। आज हम फिर से हॉस्पिटल आए हैं, ये फॉर्म फिर से फिल किया है, और अभी सोबिया का डॉक्यूमेंट रिसीव करने जाना है। तो अभी ना चले देखते हैं सोबिया की रिजल्ट क्या आई है, इंशाल्लाह बस ठीक ही होगी। हैंड सैनिटाइजर मशीन ये डिटेक्ट करती है खुद इंसान को, और ना फिर आप हाथ साफ कर सकते हैं। वाह कितने सुठो है, हाई टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया। और अभी हम हॉस्पिटल आए हैं तो ये लगा के फिर आए हैं चेकिंग वेकिंग करके, बुखार वुखार। वाह यार हॉस्पिटल में देखो खुद ही चल रही है, इंसान को ट्रैक करेगी। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में ना हमें पूरा इधर उधर कर दिया, सर्टिफिकेट मतलब दे ही नहीं रहे, समझ ही नहीं आ रहा, कोरियन में पेपर दिखा रहे हैं कि हमें इसका सर्टिफिकेट चाहिए, और बोल रहे इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ, फाइनल ये ना किसी को भेजा जो लड़की इंग्लिश में बोल, कोरियन में बोलो तब भी मतलब हेल्प नहीं कर रहे थे सही से कोरिया में, तो फाइनली किसी एक लड़की आई वो हेल्प किया, और अभी बस बैठे हैं ये लाइन में, पीछे सारे लगे हुए हैं लोग, अपना अपना डॉक्यूमेंट लेने जाते हैं इस एरिया में।
का डॉक्यूमेंट लेने आ रहे हैं इधर, सोफिया का नंबर आएगा 8111, वहाँ से टिकट उठाई हमने, तो अभी देखते हैं रिजल्ट। तो सबसे पहले सोफिया को ये मैसेज आया था और उसमें पता चल ही गया है कि सोफिया का रिज़ल्ट क्या है, अगर जिस चीज़ कोरियन आती है, बाकी इंग्लिश में क्या है उसके रिज़ल्ट में आपको पेपर मिल जाए फिर बताऊंगी। ये पढ़ लें, अभी सोफिया की बारी आई है, तो लेट्स सी। ये अभी सोफिया के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं और सोफिया की रिज़ल्ट आई है, क्या दिखाऊं? नेगेटिव। पर वो ना 1000 का है, मतलब $1 का, तो हमने $5 के 5 पेपर ले लिए, ओरिजिनल है इसलिए 5 ले लिए हैं, ताकि सोफिया किसी किसी एयरपोर्ट में कहीं भी जाए, कोरिया से निकलेगी या ट्रांजिट में, हर जगह उसे ये पेपर मांगेंगे, तो इसलिए ना बहुत सारे कॉपीज़ करा के रख दिए, तो शुक्र है अल्लाह का के नेगेटिव। हाँ नहीं तो मुझे टेस्ट करवाना पड़ता, लेकिन शुक्र है इसका नेगेटिव आया है, तो हम लोग बच गए ना। हाँ, बच गए तो फंसते, तो इसलिए ना अपना मतलब बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए, और ऐसे पेशेंट जो है ना ऐसे मरीज के साथ थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस रखें। तो जी ये थी आज की बस वीडियो, इधर ये सेकेंड डे था तो आज फिनिश करते हैं, और ये हॉस्पिटल है पीछे पूरा, ये मशीन वशीन लगी हुई हैं, लोग जैसे नंबर वंबर लेते हैं अपना, तो अभी हम घर जा रहे हैं। सोफिया खुश हो? ये फाइनली डॉक्यूमेंट मिल गया, थोड़ा टेंशन ख़त्म हो गई कि क्योंकि नीड होगी ना हर एयरपोर्ट में, और ये अच्छा है पता है सिक्योरिटी के लिए। तो चले अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो जो ट्रेवल करते हैं वो सेफ ट्रेवल, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय बाय।